ये जाति का सिलसिला शुरू कब से हुआ? जब समाजवादी पार्टी की सरकारें बनी शुरू में, तो जितने अपराधी थे, किसी को ब्लॉक प्रमुख बनाया गया, किसी को एमएलए का टिकट दिया गया, किसी को लोकसभा में पहुंचाया गया, और यहाँ तक कि उस समय वो जो गेस्ट हाउस कांड था उसमें मायावती जी ने चीख चीख के कहा था कि समाजवादी पार्टी के गुंडे मेरी हत्या करना चाहते थे। हम आपसे कहना चाहते हैं कि हमने और आपने इन एनकाउंटर्स को एक्सेप्ट कर लिया। ये संविधान को बाईपास करने का एक तरीका है। हमारे यहाँ अदालतें हैं, ट्रायल होते हैं, अदालतें अगर किसी को फांसी की सजा देते हैं तो किसी को कोई एतराज नहीं है। लेकिन हमारे अब रूटीन जिंदगी में एनकाउंटर या बुलडोजर एक रूटीन सी बात हो गई। कोई इसके ना मीडिया इसके खिलाफ बोलता है और ना ही हम लोग बोलते हैं। तो मैं तो ये समझता हूं कि संविधान भी है हमारे देश का, संविधान के हिसाब से चला जाए। एनकाउंटर तो वो होते हैं जिस तरह से आजकल जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को किए जा रहे हैं, वो वाकई एनकाउंटर है। लेकिन ये एनकाउंटर हमारी समझ में नहीं आते कि पकड़ के ले गए, पैर में गोली मार दी या उसको उसके बाद ले आए। हम सब लोगों ने इसे एक्सेप्ट क्यों किया हुआ है? हम इसीलिए कहते हैं कि संविधान बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया है। एसटी हसन साहब, मैं बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करती, कोई भी फर्जी एनकाउंटर हो मामले की जांच होनी चाहिए। लेकिन एनकाउंटर से ज्यादा जब सुर उठते हैं जाति पर, तो सवाल लाजमी है कि भाई आप एनकाउंटर पर नहीं जाति पर बात कर रहे हैं, और चोर और लॉ तोड़ने वालों को माफिया की कोई जाति होती है, कोई धर्म होता है? सवाल आज यही है। नहीं, आपने ठीक कहा, अपराधी की कोई जाति या धर्म नहीं होता। लेकिन अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखेंगी तो आपको पता चलेगा कि कितने एनकाउंटर किस धर्म के लोगों के हुए हैं और कितने एनकाउंटर किस जाति के लोगों के हुए। तो कहीं ना कहीं शक पैदा होता है कि ये भी सियासी दाव पेच की वजह से सब कुछ हो रहा है। जो बड़ा इल्जाम है, बड़ा आरोप है। मैं पूछना चाहती हूँ आचार्य प्रमोद कृष्णम जी आपसे, क्या बीजेपी की सरकार, योगी की सरकार जाति और धर्म देखकर एनकाउंटर करती है? आरोप बड़ा लगाया है समाजवादी पार्टी ने। नाविका जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हालांकि मैं भारतीय जनता पार्टी का ना तो अधिकृत प्रवक्ता हूं, ना मैं भारतीय जनता पार्टी का अभी तक सदस्य बना हूं, लेकिन जो सच है उसको मुझे कहने में कल भी गुरेज नहीं था और आज भी गुरेज नहीं है। जब मैं कांग्रेस में था तब भी मैंने ये बात उठाई थी कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, और अपराधियों के मन में सरकार का, सत्ता का, पुलिस का खौफ होना चाहिए। ये बिल्कुल पक्की बात है। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि बहुत दिनों बाद उत्तर प्रदेश में, यूं तो सारे मुख्यमंत्री जितने भी रहे हैं वो उनका हम सम्मान करते हैं, लेकिन देश की आजादी के बाद आज तक पहली बार उत्तर प्रदेश को एक योगी के रूप में चीफ मिनिस्टर मिला, एक चरित्रवान मुख्यमंत्री मिला, एक आदर्श मुख्यमंत्री मिला है, एक ईमानदार मुख्यमंत्री मिला है, अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने वाला मुख्यमंत्री हमें मिला है। तो हमें उसका सम्मान भी करना चाहिए और उनके फैसलों का स्वागत और सराहना करनी चाहिए। जहां तक सवाल है एनकाउंटर का, तो नाविका जी, ये तो देश के लोकतंत्र की विडंबना है। संविधान के अंदर लिखा है कि जाति, धर्म और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं बरता जाएगा, लेकिन अफसोस, सारे पार्लियामेंट के टिकट, एमएलए के टिकट, विधानसभाओं के टिकट, मंत्री का पद, ऑफिसरों की ट्रांसफर, पोस्टिंग, सब जाति देख के होती है। जब जाति देख करके ये हुआ, और ये सिलसिला कब से शुरू हुआ? एसटी हसन साहब बड़े दानिश्वर इंसान है, मैं बड़ा रिगार्ड करता हूं इनका, और ये काबिले इज्जत हैं, काबिले तारीफ हैं। मुझे बताइए ये जाति का सिलसिला शुरू कब से हुआ? जब समाजवादी पार्टी की सरकारें बनी शुरू में, तो जितने अपराधी थे, किसी को ब्लॉक प्रमुख बनाया गया, किसी को एमएलए का टिकट दिया गया, किसी को लोकसभा में पहुंचाया गया, और यहां तक कि उस समय वो जो गेस्ट हाउस कांड था उसमें मायावती जी ने चीख चीख के कहा था कि समाजवादी पार्टी के गुंडे मेरी हत्या करना चाहते थे, और थाना दिया जाता था। आप एसटी हसन साहब से मैं उम्मीद करूंगा कि बिल्कुल सच दिल पे हाथ रख के बोले कि जो थाना दिया जाता था उस थाने में कौन ऐसो होगा, इंस्पेक्टर होगा, उसकी एक जाति देखी जाती थी। जिले का कप्तान कौन होगा, उसकी जाति देख के
वो होता था। नोएडा के अंदर, गाजियाबाद के अंदर प्लॉट्स का जो आवंटन होता था वो पहले जाति देखी जाती थी। और जितने जी बड़ा आरोप लगाया है आचार्य जी ने आप पर, सवाल का जवाब दीजिए और जवाब इस बात का भी दीजिए कि जब पुलिस कर्मी एनकाउंटर करते हैं तो क्या किसी के माथे पर यादव लिखा होता है या मिश्रा लिखा होता है? ये हमारी बदकिस्मती है कि हम राजनीति जातियों में और धर्मों में बांट चुके। आज देश की राजनीति में इतना डिग्रेडेशन हो गया है कि हम विकास की बात नहीं करते, हम रोजगार की नहीं करते, हम जाति और धर्म पे चले जाते हैं। अमेरिका में चुनाव हो रहे हैं तो जलवायु परिवर्तन मेन मुद्दा है। हमारे यहाँ क्या मुद्दे होते हैं वो मुझे कहने की जरूरत नहीं है आपसे। मैं इतना कहना चाहता हूं कि जितने भी आप अधिकारी हैं उनकी जो डीएम है, एसएसपी है, थानों पे हैं, उसके लिए भी ये शिकायतें आ रही हैं कि एक खास जाति के लोग हैं। सुंदरकी में एक उपचुनाव होने जा रहा है। एसटी हसन साहब, माफ कीजिएगा लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप अमेरिका में इलेक्शन लड़े हैं अब तक, क्योंकि यहाँ पर जो चुनाव आप लड़ते हैं वो तो इसी पर लड़ते हैं। समाजवादी पार्टी MY फॉर्मूले पर कितने इलेक्शन लड़ चुकी है आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, लेकिन एसटी हसन बता रहे हैं जैसे कि आज तक ये इतने पाक साफ इरादों से इलेक्शन लड़ते आए हैं। मुझे तो बता दीजिए कि पिछले एक हफ्ते में अगर आप सिर्फ सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव जी के बयान देख लें तो कितने बयानों में कितनी बार जाति का जिक्र है। देखिए मैं आपसे बता रहा हूँ, ये मैंने आपसे कहा ना, बदकिस्मती है हमारी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं इसको अच्छी किस्मत नहीं मानता देश के लिए, लेकिन ये हो रहा है। अभी कुंदरकी के चुनाव में सारे एक धर्म के पीएलओ को हटा दिया गया, लेकिन एक जाति आचार्य जी जब ये जवाब दे रहे हैं, आचार्य जी जवाब दे रहे हैं साहब। देखिए एसटी हसन साहब बहुत ही दानिश्वर इंसान हैं और मेरी बात को अभी इन्होंने सुना और तस्लीम किया कि ये बदकिस्मती है हमारे देश की या हमारे सूबे की कि इस तरह के फैसले हो रहे हैं। लेकिन आप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से फिर क्यों नहीं कहते कि रोज वो जातिवाद की राजनीति क्यों करते हैं, क्यों करते हैं? उनसे एक बार पूछिएगा, क्या सुभाष चंद्र बोस की कोई जाति थी? शहीद आजम भगत सिंह की कोई जाति थी? अशफाक उल्लाह खां की जाति थी? बीर अब्दुल हमीद की जाति थी? क्या जितने भी देश के लिए बॉर्डर पर शहीद होते हैं उनकी कोई जाति होती है? और जाति और धर्म इस हद तक हावी हो गया है नाविका जी के लोकसभा के सिटिंग एमपी थे हमारे एसटी हसन साहब, और सिटिंग एमपी को इनको टिकट इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि वहां धर्म आड़े आ रहा था, जाति आड़े आ रही थी। ऐसा कुछ नहीं है, मुरादाबाद मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और मैं मुस्लिम कम्युनिटी से ही आता हूँ। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे कुछ दबाव थे, वो मैं इसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन ना मुझे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कोई शिकायत है, हाँ जिन लोगों ने करवाया उनसे शिकायत है। लेकिन जहां तक सवाल जो मेन डिस्कशन हो रहा है, वो डिस्कशन यही हो रहा है कि हमें धर्म और जाति की राजनीति से ऊपर उठना चाहिए। अभी आपने कहा मुरादाबाद में मुस्लिम बहुल इलाका है और मैं उसी कम्युनिटी से आता हूँ, मुझे लगा था आप कहेंगे कि कम्युनिटी का कोई आधार होता ही नहीं, लोग अपनी काबिलियत पर बनते हैं, पर आपने ऐसा नहीं कहा।